till the last drop of my blood. मैं चाहे 1% भी सहमत ना हुआ जो तू गल कर रहा हो, पर तेरा राइट आ जिहड़ा तेरा हक आ आपकी गल कहण दा, वो मैं आपके खून के आखिरी कतरे तक प्रोटेक्ट करांगा, उन्हों बचाऊंगा। सो कोई गल नहीं, बहुत गलों नाल असीं नहीं सहमत होंगे, कई बार जदों तक असीं बैठ के गलों विचार देने सिर जोड़ के बहते नहीं, गलों की समझ नहीं आती, क्योंकि सच आ जिहड़ा सच दियां बड़ियां परतां होंदियां, मल्टीलेयर्ड होंदी आ रियालिटी। मैनू भी यह गल लग सकती, जिवें सरदार सिमरजीत सिंह मान जदों तक मैं मिलया नहीं सी, मेरी कुछ अंडरस्टैंडिंग उन्होंने कुछ होर सी, जदों मैं मिलया तो मैं लगे यार तो बहुत सच्ची तो सुची रूह आ इस बंदे का, एड्डा वड्डा संघर्षा आम तौर पर पंजाब के लोग उन्होंने एक गिला लैके फिरते रहते हैं भी जो थोड़ा मौका मिले तुम पार्लीमेंट च क्यों नहीं गए, पर गल समझिए असी रियालिटी के मतलब समझिए, तो मैं उदाहरण दे रहा इस करके भी सानू पूरी समझ होंगी नहीं, असी उतली सतह से फिरते रहने लेयर्स की सानू समझ होंगी नहीं, वह बंदा जिहड़ा आपके कौम लई आपके पंथ लई इस धरती लई इस खिते लई सब कुछ छड़ के आ गया, उस स्टेट की एड्डी वड्डी तुसीं कह लो जिहड़ी नौकरी छड़ के आ गया आपकी जिहड़ी उत्थे दित्ता होया उन्होंने माण छड़ के आ गया, क्यों? क्योंकि किते ना किते अंदर रूह उहदी चीज पई वी साडे लोग साडा पंथ साडा विरसा। फिर चोणां च जित के मंत्री बन जाते सीएम बन जाते बड़ा सौखा सी, पर उस बंदे ने कि गल पर पहरा दिता भी जो असं मंत्री सीएम ये भी बन गए जिन्होंने आप बना भी रहने उन्होंने बंद को पावर ही है नहीं, वो बंदे पार्लीमेंट च बैठे होने या विधानसभा च बैठे हो कुछ नहीं कर सकते, पावर तो साड़ी समय समय तो कुदर के सरकार ले गई है, तो जोड़ा धर्म युद्ध मोर्चा संतान ने लाया सी उस धर्म युद्ध मोर्चे च गालीबाद अधिकारा की की गई सी, तो वह कल पंजाब की गल नहीं आ इस देश के होर बहुत सूबे की गल आ, दिल्ली कुदर के हर कोई पावर आपके को लैके बह गई। सो पार्लीमेंट च बढ़ के विधानसभा च बढ़ के अच भी बढ़ जाएंगे लोग चोणों से जित भी जावे की करांगे असं, जदों तक बीमारी जड़ तो भी पट्टांगे असं कर की लवेंगे, पर असं कदे गलों समझते नहीं, साढ़े रोल्स लैके बह जाते भी थोड़ू मौका मिलया सी तुसी साढ़े 3 फुट की कृपान ते आ गए लो कि यार गल एक एक IPS ऑफिसर हो गए और स्टेट न स्टेट ने तो उन्होंने पूरी क्योंकि स्टेट की आ जिहड़े इंस्टीट्यूट्स आ जिहड़े रॉ आ IB आ NIA आ ED आ स्कूल कॉलेज आ IAS अकैडमीज आ IPS अकैडमीज आ करदियां की आ एक खास तरह के मनुख ढालदियाँ कि एक खास तरह का मनुख जिहड़ा इस स्टेट आ उहदे लई काम करदा, जिहड़ा बंदा उह छड्ड के आ गया जिहड़ा उस ढांचे च कदे ढाल नहीं सकिया इहदा मतलब उहदे च किड्डी वड्डी इंटलैक्ट पई हो, मतलब किड्डी वड्डी इंटैलीजेंट रूह होगी, उह गल्लां नूं किस तरह उह समझदा होगा इह आपां कदे ही नहीं समझदे। फिर साढ़े जथेदार हुणी इत्थे बैठे आ बरगाड़ी वाले मोर्चे लगे सरबत खालसा वाले मोर्चे लगे, असी हमेशा आपकी लीडरशिप से उंगलियां ऐ सीधियां कर दें, पर सच में फिर असी कदम देखते ठीक है साढ़े तो गलतियां हुई होंगी क्योंकि पूरा तो कला गुरु ही हुंदा, कदे असी तो पूरे हो ही नहीं सकते ना, गलतियां हुई होंगियां, पर एक बार फिर दृढ़ निश्चा एक बार फिर वही हौसला से वही जज्बा लैके असं फिर भी तुर सकते हैं, बथेरे वाली तुरी ने इतिहास पढ़ के देख लो, गल तो निश्चय की है जेडे स्टेट होंगी है या सरकार होंगे उन्होंने को एक मौका होंगे, पर गुरु साहब की रहमत यह होंगी है जिहड़ियां साढ़े अगे संघर्षी बंदे होंगे उन्होंने बहुत मौके होंगे, उन्हों का एक मौका उन्होंने दरबार साहब से मिलया साढ़े नाल की करके घल्लूघारा वीक शुरू हो रहा साढ़े नाल की करके इहदी भी आपां गल करांगे, पर साढ़े कोले बहुत मौके आते जिहड़े मौके से असीं जित्तांगे उदू बाद फिर उन्हों का मौका नहीं रहेगा, यह गल वसा के रखियो आपणे।
ਤੇ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਗ ਲਾਉਣੇ। ਇਹ ਛੱਡੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਸਹੀ, ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪੰਥ ਨਿਆਰਾ ਕਿਆ ਵਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਕਰ ਨਾ ਇਸ ਪੰਥ ਚ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਛਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਸਿਰ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਥ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਰ ਰੂਪ ਚ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹ ਕਲਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ? ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਆ, ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਾਂ ਬਾਹਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਤਮਕ ਸੋਮਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਕੰਮ ਨਾ, ਸਬਕ ਲਓ ਇਹ ਤੋਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਲਓ? ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ, ਇੱਡੇ ਅਸੀਂ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ, ਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ।